नगर निगम द्वारा निगम विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सरल और मनोरंजक बनाने की अनूठी पहल ज्ञानोदय यूट्यूब चैनल। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम जिस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे वह है पाठ 14, रिमझिम पुस्तक भाग 2, नटखट चूहा। तो बच्चों, मुझे एक बात बताइए कि आपके घर में कुछ इस तरह के कीड़े मकोड़े या फिर जानवर या जंतु होंगे जिनको देखकर आपको डर लगता होगा और आप ये कहते होंगे कि अरे ये तो हमारे घर को नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे कि कॉकरोच, चींटी, खटमल या चूहा। ये लोग जब घर में आते हैं तो घर के छोटे छोटे कपड़ों को या छोटे खाने की चीजों को, सब चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं और गंदगी फैलाते हैं और इनसे कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है वो है एक चूहे के ऊपर, नटखट चूहा। बच्चों, ये चूहा बड़ा शरारती था, हमेशा इसका मन कुछ ना कुछ शरारत करने को करता रहता था। तो एक दिन ये बिल में बैठे बैठे थक गया और इसने सोचा कि आज चलो बाजार घूमा जाए। तो वह तैयार होकर बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार में उसने इधर देखा उधर देखा पर कुछ मजेदार नहीं दिखा। फिर उसको एक कपड़े की दुकान नजर आ गई। वो फटाफट कपड़े की दुकान में गया और दुकानदार को बोला कि भाई मुझे ना एक कपड़ा दे दो। दुकानदार ने बोला, भाग यहाँ से, तुझे किस बात का कपड़ा चाहिए, तुझे क्यों दूँ, मैं चूहों को कपड़ा नहीं बेचता। उसने बोला, मुझे, चूहे ने बोला, मुझे ना टोपी बनवानी है तो मुझे कपड़ा दे दो। तो दुकानदार ने कहा, मेरा समय बर्बाद मत करो और जाओ यहाँ से। तो चूहे ने बोला, पक्का नहीं दोगे? तो दुकानदार ने बोला, नहीं। तो फिर देखिए चूहे की चालाकी, उसने बोला, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े उतरूंगा। अरे बाप रे, ये बात सुनकर दुकानदार डर गया और उसने चूहे को बोला, भैया ऐसा मत करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी टुकड़े का कपड़ा दे देता हूँ। तो बाप रे, चूहा बस वो लाल रंग का रेशमी कपड़ा लेकर और निकल पड़ा वहां से। फिर वो गया दर्जी की दुकान पर और दर्जी को बोला कि दर्जी भैया, ये जरा मेरे कपड़े से मेरी टोपी बना दो। दर्जी ने कहा हंसते हुए, जा भाई, हमारा टाइम मत खराब कर, मेरे पास तेरा काम करने के लिए समय नहीं है। अब चूहे को फिर गुस्सा आ गया। उसने बोला, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। अरे दर्जी भी डर गया, उसने बोला, अरे चूहे भैया ऐसा मत करना, मैं अभी तुम्हारे लिए टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। अब चूहा रेशमी टोपी को सुनकर देखकर बड़ा हैरान, बड़ा खुश। अब वो सोचा कि मैं ना इस पे चमकीले सितारे लगवाता हूँ। तो फिर वो गया उस दुकान पर जहाँ पर सितारे मिलते हैं और उसने बोला दुकानदार को कि दुकानदार, ये मेरी टोपी पे जरा सितारे लगवा दो। दुकानदार ने हंसकर बोला, जा जा तू चूहे, तेरे काम करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो चूहा बोला, कैसी बातें करते हो भैया, लगवाओ दो। उसने बोला, नहीं मैं नहीं लगाऊंगा। तो चूहे को फिर गुस्सा आ गया। उसने फिर बोला, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने बोला, अरे भैया चूहे ऐसा मत करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी में रंग बिरंगे सितारे लगा देता हूँ। और उसने रंग बिरंगे सितारे लगा दिए और अच्छे से टांग भी दिए। अब जब सुंदर टोपी देखी तो चूहे का मन खुशी से नाच उठा। उसने कहा, मैं तो किसी राजा से कम भी नहीं लग रहा, तो मैं अपनी चमकीली टोपी किसको दिखाऊं? फिर उसने सोचा कि क्यों ना राजा जी को ही दिखाई जाए। तो वह राजा जी के सामने चला गया और उनके दरबार में और उनके सामने खड़ा हो गया। तो राजा ने कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने कहा, अरे वाह, तुम तो एकदम राजकुमार दिखते हो। चूहा बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, मुझे बैठने दो, मैं राजकुमार हूँ। तो राजा को हंसी आ गई, उसने बोला, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है।
चूहू ने बोला, अच्छा पक्का अपनी गद्दी नहीं दोगे? राजा ने कहा, हाँ नहीं दूंगा, जाओ यहां से। तो राजा ने आदेश दिया कि पकड़ लो इस चूहे को। पर सिपाही चूहे को पकड़ने के लिए दौड़े, पर वो पकड़ ही ना पाए, चूहा सरपट उनके बीच से निकल जाए। तो एक सिपाही एक के ऊपर एक गिर भी पड़े। तब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अरे बाप रे, राजा ने सोचा कि अगर सेना आ गई चूहों की तो पूरे फौज को महल को तहस नहस कर देगी, तो उसमें डर से कांपने लगा। राजा ने कहा, भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूं और तुम शौक से चाहे जितनी देर मेरी गद्दी पर बैठो। चूहा बड़ा खुश हुआ, शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। जब काफी रात बीत गई, वह गद्दी से नीचे कूदा और अपने घर चला गया। और उसने शाम को अपनी चमकीली टोपी की कथा अपने सारे दोस्तों को सुनाई। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना, मजेदार? तो बच्चों, इस तरह से जब भी हम किसी कहानी को पढ़ते हैं और सुनते हैं और हमें मौका मिलता है उस कहानी के बारे में जानने का, तो हमें उसे अपने दोस्तों के साथ, अपने कक्षा अध्यापिका के साथ ज़रूर साझा करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करेंगे। धन्यवाद।